दोस्तों जब आप इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स पोस्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ट्राई एंड लेटर प्रॉब्लम क्यों आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा ट्राई एंड लेटर प्रॉब्लम क्यों आता है, अगर आ भी जाता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए बिना टाइम गवाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर का यहाँ पे आईडी जो है मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे अभी मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट में मैसेज पड़ा है तो सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। काफ़ी लोग का ये प्रॉब्लम चल रहा है ट्राई एंड लेटर प्रॉब्लम करके, जो आप यहाँ पे रील्स को अपलोड करते हो तो आपका यहाँ पे रील्स जो है अपलोड नहीं हो पाता है, ट्राई एंड लेटर प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है नीचे, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको मिलता है वी रिस्ट्रिक्टेड क्रिएटिव एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट और कॉमेडी, लेट अस नो इफ यू थिंक वी मेड ए मिस्टेक। आपने कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक की है जो कॉमेडी गाइडलाइन के खिलाफ होती है, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत एक्टिविटी की हो, इसलिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कोई भी रील्स यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है। अपलोडिंग होती है लेकिन यहाँ पे जो होता है 100% जाती है, तब जाके आपका रील्स कंप्लीट अपलोडिंग होती है, तो यहाँ पर आपका 100% तक नहीं हो पाती, तो उससे पहले ही आपके सामने यहाँ पे ट्राई एंड लेटर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इसको कैसे फिक्स करना है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हो तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है कुछ इस तरह से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ओके करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे ओके कर दिया हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऊपर टॉप में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो नॉट पोस्टेड एट ट्राई अगेन, यानी कि जो भी आपने रील्स यहाँ पे पोस्ट कर रखी है आपका यहाँ पे रील्स अभी पोस्ट नहीं हो पाया, ट्राई अगेन लेटर प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर भी मैं आपको शो करा देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा रील नॉट अपलोडेड, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को लेकर परेशान हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है, बगल में जो मिलता है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई करना है, डिस्क्रिप्ट पोस्ट पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको बैक कर देना है, इस तरह से इसको मतलब डिलीट कर देना, जो आपका यहाँ पे अपलोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है इसको आपको इस यहाँ से डिलीट कर देना है, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग यहाँ पे कॉमेडी गाइडलाइन के खिलाफ कुछ भी यहाँ पे गलत पोस्ट कर देते हो या फिर रील्स में कुछ ऐसा कैप्शन डाल देते हो, और काफ़ी लोग यहाँ पे स्टोरी भी लगाते हैं तो स्टोरी में भी यहाँ पे मिसयूज कर देते हैं, तो इस तरह से इंस्टाग्राम टीम को पता चल जाती है, तो आपका इंस्टाग्राम का जो एक्टिविटी है यहाँ पे बिल्कुल भी बंद कर दिया जाता है, आपका रील्स भी पोस्ट नहीं होता है, और काफ़ी लोग का यहाँ पे लाइक्स भी नहीं होता है, लेकिन इस आईडी में लाइक्स हो रही है, बस यहाँ पे पोस्ट नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे रील्स अपलोड कर रहे हो लेकिन आपका यहाँ पे रील्स अपलोड नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स का अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गाइस जो आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर लेना है, प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है थ्री लाइन, आपको कॉर्नर पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे की तरफ चले आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है अकाउंट स्टेटस का लिखा हुआ, आपको क्या करना है अकाउंट स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो, मतलब पता कर सकते हो कि आपके इंस्टाग्राम पर कौन सी यहाँ पे कॉमेडी गाइडलाइंस लगी है, कौन सी स्ट्राइक पड़ी हुई है, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हो। काफ़ी लोग के अकाउंट में यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, जो येल्लो कलर का यहाँ पे शो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइन में शो हो रहा है, अगर आपके अकाउंट में जब आप चेक करोगे तो आपको ग्रीन लाइन में शो करेगा, तो आपको समझ जाना कि आपके अकाउंट में अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका यहाँ पे एक्टिविटी बंद कर दिया गया है। तो आपका यहाँ पे जो एक्टिविटी बंद कर दिया जाता है तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है बहुत ही आसानी से, लेकिन अगर आपको यहाँ पे येल्लो कलर का जो शो होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत दिन लग जाते हैं, काफ़ी दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे कि सालों लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अकाउंट में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे अकाउंट में जाकर देखता हूँ, यहाँ पे रिमूव कंटेंट वगैरह सब कुछ सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रिमूव कंटेंट यानी कि कोई भी कंटेंट भी रिमूव नहीं हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पे रिमूव कंटेंट दिखाता है, कुछ गलत पोस्ट कर देते हैं, रील्स व्यूज यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब होता है स्टोरी पे लगा देते हैं, रील्स यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं गलत, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम टीम के द्वारा यहाँ पे मिल जाता है येल्लो कलर का, जो आपको यहाँ पे हमेशा के लिए छपा रहता है। तो आपका यहाँ पे इस तरह का अगर नहीं है तो आप समझ जाना कि आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे मिलता है हेल्प का बटन, आपको हेल्प वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे येल्लो कलर नहीं शो रहे हैं तो आपको हेल्प वाले बटन पर क्लिक करना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव फोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है इसको ऑफ कर देना है, इसको अगर आपका यहाँ पे ऑन है तो आपको इसको ऑफ कर देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम फिर से मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, इंक्लूड एंड कंटिन्यू बटन मिल जाएगा, नीचे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपको अपलोड का बटन मिलेगा, आपको अपलोड पर क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पे वही स्क्रीनशॉट सबमिट करना है जो आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, जैसे कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद गाइज आपका पहले का एक स्क्रीनशॉट रहता है यहाँ पे, तो आपको स्क्रीनशॉट को इसको रिमूव कर देना है जो पहले का रहता है, ओके।
अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इंस्टाग्राम टीम को बताना है कि आपके इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम क्या चली है। तो आपको यहाँ पे जो लिखना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुत ही आसानी से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। आपको लिखना है हेलो टीम इंस्टाग्राम। सो गए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सेंड आइकन, जो भी आपको टाइप करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप बहुत ही आसानी से वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड आइकन पर क्लिक कर देना जो आपको मिलता है कॉर्नर पर। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो अब आपको वेट करना है। वेट कितना देर करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आप वेट करना, आप यहाँ पर दो दिन आपको वेट करना है, जैसे कि 48 घंटे आपको वेट करना है। 48 घंटे तक आपको लाइक्स, फॉलो, अनफॉलो, किसी भी रील्स को लाइक शेयर नहीं करना है। बस आपको अपने इंस्टाग्राम को, मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम को क्या करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ऐप्स का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे मैनेज ऐप्स का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं सभी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च बार पे चले आना है, इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके आप तभी करना जब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता हो। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो आप सबसे पहले पासवर्ड को पता करके फिर आपको क्लियर ऑल डाटा करना है, ठीक है। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद आपका इंस्टाग्राम यहाँ से लॉग आउट हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है यहाँ पे लॉग आउट हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, बाद में आपको इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करना होगा। जैसे दो दिन बाद आपको 48 घंटे बाद आप अपनी अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो अपने यूजर नेम पासवर्ड देकर के। उसके बाद आप रील्स पोस्ट करोगे तो बहुत ही आसानी से आपका रील्स पोस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताया हूँ अपनी आईडी को लॉग आउट करने के लिए। अगर आप अपनी आईडी को लॉग आउट करके छोड़ देते हो 2 से 3 दिन तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपका रील्स जो पोस्ट नहीं हो रहा है 110% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका यहाँ पे जो रील्स है 110% पोस्ट हो जाएगा, कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको आईडी को लॉगिन करने के लिए बताया हूँ, मतलब लॉग आउट करने के लिए बताया हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी आपका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लॉगिन रहेगा तो आप किसी ना किसी पोस्ट पर लाइक्स, कमेंट्स कर ही दोगे, किसी ना किसी यहाँ पे आईडी को फॉलो अनफॉलो कर ही दोगे। तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग आउट रहेगा तो आप किसी को लाइक्स और फॉलो अनफॉलो नहीं करोगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है 110% जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्ट करके दिखाया है। कुछ इस तरह से आप भी अपनी आईडी को रिपोर्ट करना, 110% आपकी जो प्रॉब्लम है 110% सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें व्हाट्सअप पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ।